हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो रिलेटेड टॉपिक है उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है वो चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि क्या रिलेशन होता है दोनों में। ठीक है, और अगर आपने जो हमारी पुरानी वीडियो है उनको नहीं देखा है तो वो भी देख ले जाकर, क्योंकि ये चीजें सब लिंक होती हैं। जो पुराना सिलेबस है वो आगे वाले सिलेबस से लिंक है, तो उनको पढ़ने के बाद जो आगे आप पढ़ाई करोगे वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला चैप्टर पढ़ लें और उसकी थ्योरी न्यूमेरिकल्स जो भी है, और सेकंड चैप्टर में जितना भी पढ़ा चुके हैं पहले जो क्लासेस लिए हैं उनमें, वो भी आप कवर कर लें, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कंसीडर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये रखी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम, द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ निकलता है, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। पॉजिटिव प्लेट को बोलेंगे हाई पोटेंशियल, निगेटिव प्लेट को बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई से लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये तो हम पहले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये तो कंसीडर कर लिया हमने, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे कितना है माइनस क्यू चार्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। तो एफ डी कोस थीटा वर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स को तो एफ ही रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिया आपने, आप स्मॉल आर लिया है वो ले लेंगे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री का एंगल होने की वजह से कोस 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 तो ही हो गया माइनस एफ आर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, तो पहली स्टेप तो हमारी क्लियर हो चुकी है, हमने वर्क का फॉर्मूला यहां पर निकाल लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, इसकी वैल्यू उठा के 1 में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस क्यू ई आर, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरी स्टेप क्लियर हो चुकी है, यहां पे हमने वर्क का फॉर्मूला तो निकाल लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाल लिया, क्योंकि रिलेशन तो इसी से देना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का देना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वर्क निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर 3, ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तीसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से जो डब्ल्यू की वैल्यू है वर्क की वो यहां पे रख लेते हैं इसमें डब्ल्यू में। ठीक है, तो ये 3rd इक्वेशन हमारी पूरी हो गई, यही 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3rd। तो तीसरी इक्वेशन में जब रखेंगे W की वैल्यू
तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू ई आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इस स्मॉल आर को इधर नीचे ले आओ और माइनस को भी इधर ले आओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन आर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो, अगर आर की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, इतने न्यूटन पर कूलाम। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और ये निगेटिव साइन किस चीज को दिखा रहा है, निगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव प्लेट की ओर है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर है, तो उस निगेटिव साइन ये उसको दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।